हाय फ्रेंड्स, दोस्तों आप सभी को पता है कि लॉकडाउन हो चुका है। लॉकडाउन के लिए हमें किसी ऐसे टाइम में दोस्तों हमें है तो हमारी फिश की केयर करना बहुत जरूरी होता है। तो कई कस्टमर के अभी भी कॉल मुझे आते हैं कि मेरी फिश रोज एक एक करके मर रही है। पुराने कस्टमर है, पुराने आप पेट्स लवर्स है तो ये समझ सकते हैं फिश किस टाइप से फिश को केयर मेंटेन करके हमें तो मरने से बचाएं। लेकिन जो नए नए होते हैं जो कस्टमर दोस्तों, जैसा कि फिश ला लेते हैं लेकिन फिश लाने के बाद हमारे पास में हम इतनी चाहत से इतनी खूबसूरत मछलियां लाके दोस्तों हमारे पास मरती है तो बहुत ही बेहद अफसोस होता है। इन मछलियों को दोस्तों थोड़ा सा केयर करना जरूरी होता है। जैसा कि ये कस्टमर के रोज रोज फिश मरते हैं तो इस मछलियों को हम जब भी मरने का मेन रीजन एक होता है दोस्तों पानी, वाटर की क्वालिटी सही नहीं होंगी, पानी की क्वालिटी सही नहीं होंगी, फूड ज्यादा होगा तो फिश मर जाएंगे। दोस्तों होता यह है कि हम ज्यादातर कस्टमर दोस्तों शॉप से है तो फिश ला लेते, एक पैकेट ला लेते बस डेली दोस्तों इसके अंदर है तो हमारे जो फूड होते हैं कि ये फूड शॉपकीपर्स ने दिया, इस फूड को हमने थोड़ा सा डाल दिया। दूसरा दोस्तों होता ये कि ये फूड हमने शॉपकीपर्स ने दिया डाल दिया, दो तीन टाइप के शॉपकीपर से तो फूड दे देते हैं, ये सभी टाइप के दो तीन टाइप के फूड है तो एक ही टाइम में थोड़ा थोड़ा फूड है तो सभी डाल देते दोस्तों। तो इस टाइप से हमारी मछलियों को ओवर फीडिंग होती है। ओवर फीडिंग होने के बाद दोस्तों ये फिश है तो मर जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। और मेडिसिन भी होती है दोस्तों, जो भी मेडिसिन दी हुई होती है जैसा कि एक एंटी क्लोरीन है, एंटी फंगस है, एंटी व्हाइट स्पॉट है, जनरल केयर है, अलग अलग मेडिसिन होते हैं। लेकिन अगर जब भी मछली हमारी बीमार होती है तो हम क्या करते हैं, हमें पता ये चलता है कि मछली बीमार है, उसको मेडिसिन देना है। तो चार टाइप के मेडिसिन हमने ला ली है दोस्तों। मेडिसिन लाने के बाद इसकी आधी बोतल, उसकी आधी बोतल, क्लोरीन की आधी बोतल, जनरल एड की आधी बोतल, फंगस की आधी बोतल, जितने बोतल है हम सब आधी आधी बोतल डाल देते। तो हमें ये पता होना चाहिए दोस्तों मछली को क्या प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं होती है दोस्तों। मेन में बेस्ट में एक शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ, जब भी हमें तो पानी चेंज करेंगे दोस्तों, 7-8-10 दिन से ज्यादा पुराना पानी लाकर हमारे घर में स्टोर कर दे। उसके बाद में दोस्तों अगले दिन हमें फिश टैंक का पानी चेंज करना है तो एक दिन पहले जो रूम में फिश टैंक है उसी रूम में हम हमारे पानी को लाकर स्टोर कर देंगे। पानी के लाने के स्टोर करने के बाद दोस्तों जितनी मेडिसिन है पूरी मेडिसिन नहीं डालनी हमें, तो पहले ये देखना जरूरी होता है कि पानी कौन सा लाया है हमने। पानी अगर दोस्तों नल का सप्लाई वाला वाटर पानी लाया है तो उसके अंदर एंटी क्लोरीन जो मेडिसिन होती है व्हाइट वाली, जैसा मैं आपको बता दूं दोस्तों ये व्हाइट वाली जो मेडिसिन होती है, इस मेडिसिन को अगर हमारे पास में 50 लीटर पानी है तो 5 ml मेडिसिन यूज करना है, ज्यादा कोई मेडिसिन यूज करना नहीं। और इसके बाद दोस्तों दूसरे कोई मेडिसिन नहीं भी डालेंगे तो चलेगा। लेकिन जब हमारी फिश को फंगल इन्फेक्शन होता है तो ब्लू कलर के जो मेडिसिन होते हैं इसी में दोस्तों, ब्लू कलर वाला मेडिसिन है तो आपको डालना होता है फंगल के लिए दोस्तों। ये वाला जो मेडिसिन है ये मेडिसिन हमें डालना होता है, ये मेडिसिन फंगल इन्फेक्शन होता है तभी डालना है दोस्तों। और एक इमरजेंसी बता दूं कि अभी लॉकडाउन के सिस्टम में दोस्तों ये सब मेडिसिन आपके पास में नहीं मिल रहे, 10-15 दिन से ज्यादा अगर पुराना पानी है आपका, नल का हो, बोर का हो, सप्लाई वाटर का हो, कौन सा भी हो, मेडिसिन नहीं भी डालेंगे तो चल जाएगा। लेकिन पानी फ्रेश कौन सा भी यूज करना नहीं है, बोर वाला, सबमर्सिबल वाला, नल वाला, कौन सा भी पानी हम फ्रेश। तो इमरजेंसी अगर कोई मेडिसिन नहीं है तो उस कंडीशन में हम जितना हो पुराना हो सके पानी ले लेंगे दोस्तों, अगर मेडिसिन हमें अवेलेबल के लिए, इमरजेंसी मेडिसिन के लिए, मेडिसिन सेक्शन के लिए दोस्तों ये भी जरूरी है, हमें इसको भी है तो लेना जरूरी होता है दोस्तों। शॉप पे जाके हमें तो दो मेडिसिन कंपलसरी कम से कम लेंगे। अगर हम सबमर्सिबल वाला पानी यूज करते हैं तो उस टाइम में सिर्फ एक ही मेडिसिन डालेंगे दोस्तों, उस टाइम हमें एंटी क्लोरीन ये नहीं डालेंगे, ये मेडिसिन सिर्फ कब डालेंगे, सप्लाई वाला वाटर यूज किए तो ये मेडिसिन डालेंगे दोस्तों। तो जैसा कि मेडिसिन हमने डाल दिया, हमारे पानी को एक बार चेंज कर दिया, उसके बाद में हर वीक में दोस्तों 25% हमें 8-8 दिन में पानी चेंज करना है। कभी भी हम पानी चेंज करेंगे, पूरा पानी चेंज कर देने के बाद दोस्तों 100% आपकी फिश मरने वाली है, क्यों तो टोटली पानी नहीं चेंज करना है। टोटल पानी कब चेंज कर सकते, ये 7-8 दिन पुराना पानी एक दिन पहले रूम में लाने के रखने के बाद, पानी का टेम्परेचर मैच होने के बाद हम पूरा पानी चेंज कर सकते। तो रेगुलर दोस्तों इतने ज्यादा टेंशन झमेले में मत जाइए, आप है तो वीकली है तो हर वीकली, संडे को संडे है तो 25% पुराना ओल्ड पानी निकालना, नया पानी आप डाल सकते हैं। और उसके अंदर दोस्तों कभी इनके कीड़े वीड़े अंदर है तो छोटे छोटे वर्म्स होते हैं, उस वर्म्स को भी केयर कीजिए, वो भी है तो मछली को पकड़ के चिपक के उसकी भी जान ले लेते, खून चूस के दोस्तों उसको भी मार देते हैं। ऐसी अगर हमारे पास में अगर छोटे कीड़े होते हैं इसके ऊपर पहला एक मेरा वीडियो बना है तो उसको भी हमें देखना जरूरी होता है, नहीं तो पूरे हमारे टाइम के मछलियों को हम इतना इधर कितना भी केयर करेंगे खाने के लिए, मेडिसिन को, पानी को, लेकिन वो कीड़ा हमें पूरा पानी हमारे टाइम के मछलियों को बर्बाद कर देगा, मार देगा। लाइट फोकस ज्यादा रखिए कैसा करने का, तो वो तो चलो प्रोसेस में बता दिया हूँ दोस्तों। तो इस टाइप से मेडिसिन और फूड हमें तो दोस्तों दो टाइम ही डालेंगे, 3-4 टाइम हम अगर फूड डालते हैं तो हमारी मछलियां इन्फेक्शन ज्यादा फूड खाने के दोस्तों तो वो मर सकती। तो चलिए दोस्तों इस टाइप से आप अगर केयर करेंगे, शॉर्टकट केयर मैंने बता दी दोस्तों, हमारे वीडियो इसके लिए
और डिटेल में हमारा मेरा पहला वाला वीडियो है फिश की उम्र थी, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में और मिलते हैं। थैंक्स।